दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 1982 की बेहतरीन 20 फिल्में, साथ ही जानेंगे उन सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, जानेंगे कि 20वें नंबर पे कौन सी फिल्म रही और नंबर एक की पोजीशन किस फिल्म ने हासिल की। तो शुरुआत करेंगे हम 20 नंबर फिल्म से। नंबर 20 पे फिल्म रही बदले की आग। इस फिल्म को डायरेक्ट किया राजकुमार कोहली ने। यह एक एक्शन ड्रामा मूवी रही। इस फिल्म में धर्मेंद्र, जितेंद्र, सुनील दत्त, रीना रॉय, स्मिता पाटिल और सारिका लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। बदले की आग फिल्म का बजट रखा गया 1,80,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 2,60,00,000 की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 5,20,00,000 का और ये फिल्म एवरेज साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। 1982 की बेहतरीन फिल्मों में से दूसरी फिल्म रही नदिया के पार। यह एक इंडियन रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही। फिल्म को डायरेक्ट किया गोविंद मोनिश ने। इस फिल्म में सचिन पिलगांवकर, इंदर ठाकुर, साधना सिंह लीड रोल में दिखाई दिए। नदिया के पार फिल्म का बजट रखा गया महज 70,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 2,70,00,000 की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 5,40,00,000 का और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। 1982 में बेहतरीन फिल्मों में से नंबर 18 पर है हथकड़ी। ये एक फैमिली ड्रामा थ्रिलर फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया सुरेंद्र मोहन ने। इस फिल्म में संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, सिमी ग्रेवाल, दीना रॉय, प्रेम चोपड़ा और राकेश रोशन लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में नजर आए। इस फिल्म का बजट रखा गया 1,60,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 2,80,00,000 की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 5,60,00,000 का और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। इसी साल नंबर 16 पे फिल्म रही तीसरी आंख। यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया सुबोध मुखर्जी ने। इस फिल्म में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, जीना दामान, नीतू सिंह, अमजद खान, राकेश रोशन लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म का बजट रखा गया 2,00,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 2,90,00,000 की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 5,80,00,000 का और यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई। इसी साल नंबर 15 पे फिल्म रही धर्मकांटा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया सुल्तान अहमद ने। यह एक एक्शन ड्रामा फैमिली फिल्म रही। इस फिल्म में राजकुमार, राजेश खन्ना, वहीदा रहमान, जितेंद्र, रीना रॉय लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 2,00,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 3,00,00,000 की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 6,00,00,000 का और ये फिल्म अबव एवरेज साबित हुई। नंबर 14 पे फिल्म रही जियो और जीने दो। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया श्याम रेहान ने। इस फिल्म में जितेंद्र, रीना रॉय, प्राण, नूतन, डैनी डेंजोगप्पा लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। जियो और जीने दो फिल्म का बजट रखा गया 1,50,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 3,10,00,000 की, वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 6,20,00,000 का और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। 1982 में नंबर 13 पे फिल्म रही बगावत। यह एक एक्शन रोमांटिक फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया रामानंद सागर ने। इस फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रीना रॉय, अमजद खान लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म का बजट रखा गया 1,82,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 3,30,00,000 की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 6,60,00,000 का और ये फिल्म हिट साबित हुई सिनेमाघरों में। इसी साल नंबर 12 पे फिल्म रही सम्राट। यह एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया मोहन सहगल ने। इस फिल्म में धर्मेंद्र, जितेंद्र, हेमा मालिनी, जीना दामान, अमजद खान, कादर खान लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 2,45,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 3,40,00,000 की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 6,80,00,000 का और ये फिल्म एवरेज साबित हुई। 11 नंबर पे फिल्म रही गजब। यह एक फैमिली ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया सीपी दीक्षित ने। इस फिल्म में धर्मेंद्र, रेखा, रंजीत, जगदीप और अरुणा ईरानी लीड रोल में सहायक भूमिका में दिखाई दिए। फिल्म का बजट रखा गया 2,00,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 3,50,00,000 की, वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 7,00,00,000 का और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। 1982 की बेहतरीन 20 फिल्मों में से नंबर 10 पे फिल्म रही देश प्रेमी। यह एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया मनमोहन देसाई ने।
इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर, परवीन बॉबी, शम्मी कपूर लीड रोल में और सहायक भूमिका में दिखाई दिए। फिल्म का बजट रखा गया 3 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 3 करोड़ 60 लाख की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 7 करोड़ 20 लाख का और ये फिल्म एवरेज साबित हुई। 1982 में ही नंबर 9 पे फिल्म रही राजपूत, यह एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया विजय आनंद ने। इस फिल्म में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, टीना मुनीम और रणजीत कौर लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। राजपूत फिल्म का बजट रखा गया 2 करोड़ 52 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 3 करोड़ 75 लाख की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 7 करोड़ 50 लाख का और ये फिल्म एवरेज साबित हुई। 1982 में ही बेहतरीन फिल्मों में से नंबर 8 पे फिल्म रही शक्ति, यह एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया रमेश सिप्पी ने। इस फिल्म में दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा और अमरीश पुरी लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में नजर आए। शक्ति फिल्म का बजट रखा गया 3 करोड़ 50 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 4 करोड़ की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 8 करोड़ का और ये फिल्म हिट साबित हुई। 1982 में ही नंबर 7 पे फिल्म रही सत्ते पे सत्ता, यह एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया राजन सिप्पी ने। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रंजिता कौर, अमजद खान और शक्ति कपूर लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का बजट रखा गया 2 करोड़ 50 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 4 करोड़ 25 लाख की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 8 करोड़ 50 लाख का और ये फिल्म हिट साबित हुई। 1992 में नंबर 6 पे फिल्म रही निकाह, यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया बी आर चोपड़ा ने। इस फिल्म में राज बब्बर, दीपक पारासर, सलमा आगा, गुलाम अली और असरानी लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 4 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 4 करोड़ 50 लाख की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 9 करोड़ का और ये फिल्म सिनेमाघरों में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1982 में बेहतरीन फिल्मों में से नंबर 5 पर है फर्ज और कानून, यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया के राघवेंद्र राव ने। इस फिल्म में जितेंद्र, रति अग्निहोत्री, हेमा मालिनी, कादर खान और शक्ति कपूर लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 2 करोड़, बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कलेक्शन रहा 4 करोड़ 75 लाख का और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 9 करोड़ 50 लाख का और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। 1982 की बेहतरीन फिल्मों में से नंबर 4 पर है खुद्दार, यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया रवि टंडन ने। इस फिल्म में संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, परवीन बॉबी, तनुजा, बिंदिया गोस्वामी और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिकाओं में और लीड रोल में दिखाई दिए। फिल्म का बजट रखा गया 2 करोड़ 50 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 5 करोड़ की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 10 करोड़ का और ये फिल्म साबित हुई। इसी साल नंबर 3 पे फिल्म रही नमक हलाल, यह एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही। डायरेक्ट किया प्रकाश मेहरा ने। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी, ओम प्रकाश लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में नजर आए। इस फिल्म का बजट रखा गया 2 करोड़ 60 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 6 करोड़ की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 12 करोड़ का और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। 1982 में ही दूसरे नंबर पे फिल्म रही डिस्को डांसर, यह एक म्यूजिकल ड्रामा रोमांटिक फिल्म रही। डायरेक्ट किया बब्बर सुभाष ने। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, किम, राजेश खन्ना, ओमपुरी, गीता सिद्धार्थ लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में नजर आए। इस फिल्म का बजट रखा गया 2 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 6 करोड़ 40 लाख और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 12 करोड़ 80 लाख का। बॉक्स ऑफिस इंडिया पे ये फिल्म सुपर हिट रही। वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। दोस्तों, नंबर 1 की पोजीशन पे 2 फिल्मों को रखेंगे जिनमें से एक है प्रेम रोग, यह एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही। डायरेक्ट किया राज कपूर ने। इस फिल्म में ऋषि कपूर, समी कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी, तनुजा, नंदा, राजा मुराद लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म का बजट रखा गया 1 करोड़ 50 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 6 करोड़ 50 लाख की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 13 करोड़ का और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 1 की पोजीशन पर दूसरी फिल्म है विधाता, यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया सुभाष घई ने। दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, राजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी लीड रोल में और सहायक भूमिकाओं में नजर आए। इस फिल्म का बजट रखा गया 8 करोड़ और
बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 8 करोड़ की, वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 16 करोड़ का और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों अब आपको ये बताना है कि इन सभी फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है, उनमें से कितनी फिल्में उन सुपरस्टार्स की हैं, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक सी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा।